वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गुलजार और आप लोग देख रहे हैं गुल रिएक्ट। सो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वर्ल्ड ऑफ विरिया के लिरिकल वीडियो सॉन्ग निकुमु अंडा मिकुवाक। काफी मुश्किल नाम है उसके लिरिकल वीडियो सॉन्ग पे अपना रिएक्शन शेयर करूंगी फीचरिंग द मेगा स्टार चिरंजीवी सर विद द गॉर्जियस श्रुति हसन इन इट। सो गाइस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द लिरिकल वीडियो सॉन्ग एंड स्टार्ट वॉचिंग इट एंड आफ्टर दैट आई विल शेयर माई ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन इट। सो 3, 2, 1, लेट्स गो। सो गाइस, ये कर दिया है मैंने निकुमु अंडा मिकुवा लिरिकल वीडियो सॉन्ग प्ले। Amazing music. Bobby Kohli. నీకేమో అండ మెకువా హలో పిల్లా హలో హలో పిల్లా హలో పిల్లా మనసులో పలముతా పులా తురేని పని క్యా ఎక్స్‌ప్రెషన్ హై కమాల్ కే ఎక్స్‌ప్రెషన్ నీకేమో అండ మెకువా నాకేమో తొందరకువా హలో పిల్లాడా హలో क्या बात है, अमेजिंग सर। पोस्टर्स कितने कमाल के हैं। क्या बात है, नी के मो अंदा में कुआ ना के मो तोंदरे कुआ लिरिकल वीडियो सॉन्ग इतने कमाल के बनाते हैं, वीडियो सॉन्ग क्या जबरदस्त होगा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूरोप वगैरह में शूट हुआ है। सो गाइज, ये था निकुमु अंडा मिकुवा सॉन्ग एंड गाइज इट वॉज एन अमेजिंग सॉन्ग, फुल ऑन पार्टी सॉन्ग। जिस तरह का इसका म्यूजिक था वो बहुत कमाल था, बहुत रिफ्रेशिंग था। अगर बात करें तो म्यूजिक कंपोजर की, तो इसको जो म्यूजिक कंपोजर है वो है DSP देवी श्री प्रसाद सर, और इसके जो वोकलिस्ट है वो है मीका सिंह, गीता माधुरी एंड डी वेलमुर्गन। सो तीनों की आवाज बहुत कमाल की थी थ्रू आउट द सॉन्ग। जो पिक्चराइजेशन हुई है
मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉन्ग जो है, सॉरी सॉन्ग बोल दिया मैंने, सॉन्ग जो है वो किसी यूरोप की साइड, किसी यूरोप कंट्री में जो है वो शूट किया गया है, क्योंकि जो पीछे से बिल्डिंग्स थी और जो व्यू दिखा रहे थे वो थोड़ा सा यूरोप वाला टच था। सो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका जो मतलब है वो क्या है, क्योंकि जो ये नाम ही है वो इतना मुश्किल है, निकोमो अंडा मिकोवा। तो मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन मैं जरूर जाना चाहूंगी, तो आप लोग मुझे बताएगा। लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जो एक्सप्रेशन थे चिरंजीवी सर के और श्रुति हसन के, जो दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वो बहुत कमाल की है। और मैं इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो ट्रेलर आया है वो इतना जबरदस्त है, और मैं तो इसके टीजर देख के बहुत ज्यादा जो है इम्प्रेस थी इस मूवी के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि जो टीजर था वो बहुत ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से बनाया गया था। और उसके बाद अब जब इसका ट्रेलर देखा तो वो भी बहुत ही दमदार है। सो गाइस, आप लोग ने अगर इसका ट्रेलर नहीं देखा वॉल्टर पीरिया का, तो आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं और जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके ट्रेलर पे अपना रिएक्शन शेयर किया था। सो गाइस, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू और रिएक्शन ऑन निकोमो अंडा मिकोवा। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप सबसे रिवाइटी रिक्वेस्ट की जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज कमेंट्स में और अपने सजेशंस भी बताया करें कि आप लोग नेक्स्ट किस वीडियो पे मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं। सो गाइस, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।